हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम अपने इन्वर्टर को दो बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम एक इन्वर्टर के ऊपर दो बैटरी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक इन डेप्थ वीडियो लेकर आता हूँ और कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो भेजे जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक इन्वर्टर को दो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो गाइस, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है नीचे एक सब्सक्राइब बटन, उसको आपने सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर सिलेक्ट करना है, जिससे कि जब कभी मैं वीडियो डालूं तो आपसे ऐसे अमेजिंग टॉपिक मिस ना हो। वहीं साथ ही अगर आपको इन्वर्टर बैटरी बाय करना है और आप दिल्ली NCR से हैं तो आप हमारी शॉप पर भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। सो इसका एक सिंपल आंसर है, आप अपने इन्वर्टर को दो बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। हालांकि जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर होता है उसके साथ 12 वोल्ट की ही बैटरी चलती है, बट कई लोगों के पास दो बैटरी रखी हुई होती है ऑलरेडी और वो चाहते हैं कि हम अपने बैकअप को इनक्रीज कर लें और हम उसी इन्वर्टर के साथ इस बैटरी को ऐड कर लें, या किसी किसी के पास एक ऑलरेडी बैटरी स्क्रैप में रखी हुई होती है और वो यूज़ में नहीं आ रही होती, इसीलिए वो सोचते हैं कि ये बैटरी ख़राब ना हो जाए, क्या हम इसको इस इन्वर्टर का साथ ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और एक बैटरी उसके साथ ऑलरेडी कनेक्शन हुए हुए हैं, मीन्स इन्वर्टर से वो बैटरी ऑलरेडी कनेक्ट है, पॉजिटिव जो इन्वर्टर की वायर है वो पॉजिटिव एक बैटरी से कनेक्ट है और नेगेटिव जो इन्वर्टर की वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट है, उसी के साथ आपको जो दूसरी बैटरी ऐड करनी है वो आपको सिंपली क्या करना है, आपको दो वायर्स की नीड पड़ेगी जो कि इन्वर्टर के लिए और बैटरी के लिए यूज़ की जाती है। वही आपको बैटरी की वायर यूज़ करनी है, ज़्यादा पतली वायर ना हो, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि जो करंट सर्कुलेशन है वो ईजिली पास ऑन हो पाए। आपको क्या करना है, दोनों बैटरी को एक साथ रखना है और जो एक बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर से आपको टाइट करना है। मीन्स जो सिंगल बैटरी आपके ऑलरेडी कनेक्ट है इन्वर्टर के साथ, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले आपको एक वायर को टाइट करना है, फिर वही वायर आपको दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करनी है। साथ ही जो एक और वायर आप यूज़ करेंगे एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आप टाइट करेंगे। ये बन जाएगा एक पैरेलल कनेक्शन, जिससे कि आपका जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट वो 12 वोल्ट ही रहेगा और एक बैटरी का जो कनेक्शन है 12 वोल्ट का वही रहेगा। मीन्स वो 24 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा पैरेलल कनेक्शन करने की वजह से, और आपको जो बैकअप है वो डबल मिल जाएगा। मीन्स जो एक बैटरी आपको बैकअप मान लीजिए 3 घंटे का दे रही थी, तो दूसरी बैटरी भी अब 3 घंटे का बैकअप आपको एक्स्ट्रा दे देगी, आपके पास अब होगा मोर बैकअप। अगर आप इसको अलग तरीके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 24 वोल्ट, जिस वजह से आपका इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। बट ये सिर्फ आप तभी करें जब आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई हो। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो हमेशा आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर बाय करें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नहीं है कि आप 12 वोल्ट का इन्वर्टर खरीद के उसके अंदर डबल बैटरी लगा देंगे। ये मैंने सिर्फ उन केसेस के लिए बताया जिनके पास ऑलरेडी एक बैटरी रखी हुई है और वो ख़राब ना हो जाए तो आप उसको एज इन दूसरे बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको उसी केस के अंदर करना है। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से एक टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों के कॉमेंट में से उठा के ये टॉपिक चूज़ किया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।